नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी रेमेडी, जो कि मैं बना के दिखाऊंगी पपीते के पत्ते से। दोस्तों, आप लोगों को तो पहले से ही मालूम है कि पपीते के पत्ते में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ये चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बीमारी को जब शांत कर सकते हैं, इसका जो रस है वो बालों पे कितना ज़्यादा असर करेगा। तो आज मैं इसी की रेमेडी लेके आई हूँ, लेकिन ध्यान आपको इतना देना है कि कैसे इसको बनाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो कहीं से भी आप वीडियो को स्किप ना करें। यदि कोई भी आप नया रेमेडी सीख रहे हैं अपने बालों के लिए या फेस के लिए, तो आप पहले उसको अच्छे से देख के समझें, उसके बाद ही आप इसको बना के देखें। यहाँ पर मैं तीन पत्ता ली हूँ, देखिए यहाँ पर तीन पत्ते ली हूँ, तो एक बार के लिए हमें तीन पत्ता से ये रेमेडी मिल जाएगा बहुत अच्छे से, और ये बहुत ज़्यादा गुणकारी असरदार बनके तैयार होगा। आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, झर रहे हैं, आज समय जैसे कि एज से पहले बाल एक दो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, उसमें भी ये असर दिखाएगा। आपके बालों के ग्रोथ होने में ये मदद करेगा, आपके बालों को लंबा होने में, तेज़ी से बढ़ने में भी मदद करेगा। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बना के आज मैं दिखाऊंगी। किसी भी उम्र के आदमी हो या बच्चे हो, कोई भी लगा सकते हैं इसको। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरा ही देख के अच्छे से समझना है। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देख के आप बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो रेमेडी है अच्छा ना बने। यहाँ पर मैं तीन पत्ते को अच्छे से पहले चेक कर लीजिएगा, इसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा जैसे चिपका हुआ ना हो। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पर लेना हमें पानी और इसमें पत्तियों को डाल के अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा इसका पेड़ होता है, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी ज़्यादा चिपका हुआ होता है। तो इस तरीके से अच्छे से इसको धो लेंगे। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा, यूजफुल लगेगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर ले दोस्तों, क्योंकि आगे भी आपके साथ बहुत सारा ऐसा रेमेडी शेयर करना बाकी है जो आप लोगों के लिए ज़रूर से नया होगा, और आप जब लगाएंगे तो आपको असर भी पता ज़रूर चलेगा। इसके पहले मैं पान के पत्ते से रेमेडी बना के दिखाई हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से उस वीडियो को भी देखिएगा, आप लोगों को वो वाले भी वीडियो बहुत पसंद आएगा। और इसको लगाने में आपको किसी भी तरह का डर भी नहीं करना है कि इसको लगाने से हमारे बालों में कुछ असर तो हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप इसको बेधड़क लगा सकते हैं, बच्चों यदि 5 साल से बड़े उम्र के हैं, आजकल तो खान पान के असर से छोटे बच्चे के ही बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके बालों पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए, पेट के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं। तो यहाँ पर पत्ते को अच्छे से छोटा छोटा टुकड़ा में सारे को तोड़ के और ले ली हूँ। इसको लगाएंगे कैसे, ये लगाने का तरीका दो तरीके से मैं आपको बताऊँगी, दोनों ही तरीके में आपको जो भी तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके से आप इसको लगाइएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, लेना है आपको साफ़ सुथरा सा मिक्सर का जार, इसमें मसाला वगैरह पिसा हुआ हो तो आप इसको थोड़ा सा सादा पानी डाल के और मिक्सी को चला लीजिएगा, जिससे कि कहीं भी इसमें मसाला फंसा हुआ हो तो अच्छे से धुल के निकल जाए और इसमें कोई भी मसाला का अंश ना रहे, नहीं तो क्या होगा कि ये जलेगा माथा में, बालों में लगाने से। अब इसमें सारे पत्तियों को हमें पहले डाल देना है, और सिर्फ पत्तियों को ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसको बारीक करके पीसेंगे, पानी थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला पतला सा हो जाएगा। अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, अभी सिर्फ पत्तियों को ही अच्छे से बारीक करके पीसेंगे, जितना अच्छा से ये पीस जाए उतना ही आपके बालों में अच्छे से ये लगेंगे। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पत्तियों को बहुत अच्छे से पीस ली हूँ, और पानी का मात्रा थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि इसका जो पत्तियाँ है ना, इसका रस खुद का भी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। अब यहाँ पर लेना है हमें कोई भी छोटा सा कॉटन का कपड़ा,
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पानी में इसको डुबा के अच्छे से इसको निचोड़ लेना है। कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, आप चाहें तो छन्नी की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा से जब आप छानेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से छनता है और हमारे बालों में बिल्कुल भी ये फंसता नहीं है, जो इसका रेशा होता है। तो ये वाला जो कपड़ा है ना, ये रुमाल मैं रखी हुई हूँ ये इसी टाइप का रेमेडी बनाने के लिए, तो इसका कलर देखिए कुछ इस टाइप से हो गया है। तो इसको भिंगा के और फिर छानिएगा, इसमें सारे रस को यहाँ पर डाल देना है। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे हमें पता चल पाएगा हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ कहाँ से हमारे नए नए दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं। जो कोई नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ही सारे यूज़फुल वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स, रेसिपी, सारे ही तरह के वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग हमारे सारे ही वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पपीता का जो जूस है, पत्ती का जो रस है, वो हमें मिल चुका है और इसमें अभी तक कुछ भी मिक्स नहीं किया गया है, सिर्फ ये पत्तियों का रस है। इसको पिया भी जाता है, जैसे बुखार, चिकनगुनिया वगैरह हो जाता है तो पपीते के रस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डेंगू वाले बुखार में। अब क्या करना है, आपको इसको लगाने से पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, जिससे कि इसके अंदर थोड़ा चिकनाई आ जाए और ये रूखा सूखा ना लगे आपके बालों पर। और आपको ये लगाने का दो तरीका बता रही हूँ दोस्तों, जो भी तरीका आपको पसंद आए वो तरीका आप आजमाइएगा। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा एलोवेरा जेल, तो आप चाहे तो पत्तियों वाला ले सकते हैं, जब आप इसको पीस रहे हैं उस समय में उसको साथ में पीस लीजिए, और चाहे तो इस तरीके से जो रेडीमेड आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन डालिएगा ज़रूर। अच्छे से थोड़ा सा इसको घोल लेंगे और ये आपके बालों के लिए एक सीरम तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सीरम है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सीरम है। ये आपके बालों के ग्रोथ में मदद करेंगे, यदि आपके बालों में डेंड्रफ हो रहे हैं उसको हटाएंगे, बाल को एक दो बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं उसको ये ब्लैक करने में मदद करेंगे। अब जो उम्र से बाल सफ़ेद हो जाता है, जैसे 50-60 के बाद जो बाल सफ़ेद होता है उसको तो ब्लैक करना मुश्किल है, तो ये जो छोटे उम्र में जो सफ़ेद होने लगता है उसके लिए मैं आपको रेमेडी बना के दिखा रही हूँ। दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे तो चलिए वो भी आपको दिखा देती हूँ। इसका इस्तेमाल कितना समय रखना है, कितना समय के बाद इसको साफ़ करना है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वीडियो जो है आधा अधूरा ही रह जाएगा। तो पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी स्प्रे वाला बोतल ले सकते हैं, इसके अंदर इसके जो जूस हैं उसको सारे को अच्छे से डाल देंगे। देखिए नीचे एक बर्तन लगा दी हूँ, जिससे कि इसमें जो भी गिर जाए जूस उसको फिर से वापस हम लोग इसमें डाल सकें और ये बर्बाद ना जाए। देखिए ऐसे करके और इसमें लगा देंगे ढक्कन, और इस तरीके से आप इसको सीरम का जैसे अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इस तरीके से है ना, बाल के जर्जर में इसको स्प्रे करना है। जब भी आप इसको स्प्रे करें तो थोड़ा सा मिक्स जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इसमें तेल, एलोवेरा जेल जो भी है अच्छे से निकल पाए और बालों में अच्छे से लग पाए। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले अपने बाल को हल्का हल्का सा पानी से भिगा लीजिएगा, हल्का सा, बस जैसे इसका स्प्रे कर रहे हैं उसी तरीके से सादा पानी का स्प्रे बालों में करके हल्का हल्का सा बाल को भिगाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे, जैसे कि हमारे बालों में अच्छे से ये फैल जाए और पूरा जड़ जड़ तक चला जाए, कहीं का भी बाल सूखा ना रहे। तो हल्का सा बाल को भिगा के उसके बाद लगाएंगे। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए ये ले लेती हूँ और इसमें फिर वापस से हमें इसको रख देना है। ये सिंपल सा दिखने वाला पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा काम का है, आप लोग अच्छे से वीडियो को देख के समझ जाएंगे, तो बिना इस्तेमाल किए रह नहीं पाएंगे। आपको मन कर जाएगा कि चलो इसको भी लगा के देखा जाए हमारे बाल पर क्या असर ये दिखाता है, और यकीन मानिए 100% ये असर आपके बालों पर दिखाएगा। एक तो पहले आपके हेयरफॉल रुक जाएंगे, बाल जो झड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, कुछ ही दिनों में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। एक लगाने का तरीका यह है कि आप इसको इसी तरीके से बर्तन में रखें, कोई भी कॉटन का टुकड़ा इतना बड़ा बॉल ले लें या कोई भी कॉटन कपड़ा ले लें, इसमें डिप करके अच्छे से बालों के जड़ में सुंदर से मसाज करें और इसको लगाएं। बाल को फिर उसी तरीके से आपको हल्का सा भिगा लेना है,
उसके बाद लगाना है। लगाने के बाद बालों में बहुत अच्छे से मसाज करना है, जैसे हम लोग तेल लगा के बालों को मसाज देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मसाज करेंगे। और आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे लगे हुए। आधा घंटा के बाद इसको हम लोग धोएंगे। आप चाहें तो सादा पानी से भी धो सकते हैं, आपको मन करे कि शैम्पू करें तो हल्का फुल्का आप शैम्पू कर सकते हैं दोस्तों। और एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ, ये तो हुआ सिर्फ पानी वाला तरीका। अब एक तरीका जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा और कारगर है। तो यहाँ पर ले लेना है हमें दूसरा बर्तन और इसमें डालना है मेहंदी। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं तो आप ये वाला तरीका आजमाइएगा। जैसे कि उम्र होने से जो बाल सफ़ेद होता है उनके लिए ये वाला तरीका बहुत अच्छा होगा। मेहंदी लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हमें ये पपीते का रस वाला जूस डालना है, पत्ते वाला जूस डालना है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखिए हल्का हल्का सा करके इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और आप अपने बालों के अकॉर्डिंग बनाइएगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबा है तो आप 5 पत्ती ले सकते हैं और जो पपीता का पत्ता बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है तो आप 3 ही लीजिएगा, उसमें से भी काफ़ी जूस निकलता है। और जो ये जूस बच जाता है उसको आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है और अगले बार जब आप लगाएंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा मेहंदी का पेस्ट बनके तैयार है। जब आप इसको घोलते हैं फिर इसको छोड़ दीजिए आधा घंटा के लिए इसी तरीके से घुले हुए। आप चाहें तो इसको लोहे के बर्तन में डाल के पूरे रात छोड़ सकते हैं या 5 से 6 घंटा छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो आप इसी तरीके से कोई भी बर्तन में इसको रख के छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने बालों पर जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको लगा लेना है। और जब ये सूख जाए फिर इसको ठंडा पानी से धो लें, जैसे आप लोग रोज स्नान करते हैं उसी तरीके से कर लें और अगले सुबह शैम्पू करें। इसको जो ये लगाएंगे तो ये आप 2 से 3 घंटे तक बालों पे रख सकते हैं क्योंकि इसमें मेहंदी भी मिला हुआ है। और जो ये प्लेन वाला जूस लगा रहे हैं तो आप इसको आधा घंटा के लिए या 1.25 घंटा के लिए इसको रख सकते हैं। अच्छे से ये सूख जाएगा, फिर आप चाहें तो सादा पानी से बाल को धो लें, अगले सुबह शैम्पू करें। और यदि आपको कहीं जाना है, आपको शैम्पू करने का मन है तो आप शैम्पू कर सकते हैं, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा मिनट 1 घंटा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी आप इसको कितना देर रखना चाहेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको सप्ताह में कितने दिन लगाना है, तो दोस्तों सप्ताह में इसे 1 दिन ही यूज करना है, महीने में 4 दिन। और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो आप इसको सप्ताह में 2 दिन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा 2 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करना है। आपको आप लोगों को आज की रेमेडी कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।